एक वैश्य आ गई जो देखने में बहुत सुंदर थी। पैसा लेकर के आई, महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी इस बेटी का मोल क्या है, इस स्त्री का मोल क्या है? बोले 20 भर सोना, देखने में बहुत सुंदर थी। वो क्या कहते हैं, लाख छुपाओ छुप नहीं सकता। आगे क्या है, लाख छुपाओ छुप नहीं सकता, और राज है इतना गहरा, और दिल का पता बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरे से पता चल जाता है कि आदमी किस क्वालिटी का है। वैश्या को देखा तो रानी समझ गई कि इसमें कुछ राज है। रानी पास में पहुंची और हाथ जोड़ करके बोली, बहन बुरा मत मानना, मैं एक बात पूछूंगी। बोले पूछो पूछो। जवाब दिया, बहन आपके साथ चल करके मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा? तो वो वैश्या कहने लगी, दीदी मैं वैश्या हूँ, और तुम अच्छी तरीके से जानती होगी कि वैश्याओं का क्या धंधा होता है। जो मैं करूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। समझ लीजिए महाराज, आज रानी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। रानी एक गाय की तरह रभाने लगी और अपना आंचल फैला करके उस सूरदेव से कहने लगी, महाराज तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है महाराज? आज बारे लगी बारी लगी।
इतना करुण क्रंदन किया है रानी ने, ये करुण क्रंदन की आवाज परम पिता परमात्मा तक पहुंच गई। भगवान ने माया भी बंदर छोड़ दिए जो वैश्या के ऊपर टूट पड़े, वैश्या का सारा धन छीन लिया और वैश्या वहां से भाग गई।